बीती 6 सितंबर को एक बहुत ही हैरान करने वाली घटना सामने आई। आपने देखा होगा वो वायरल वीडियो जिसमें 4 अपराधी बंदूक लेकर सीमापुरी, ईस्ट दिल्ली के सीमापुरी के क्लब में उगाही करने जाते हैं। वहाँ पर बाउंसर्स को कहते हैं कि अपने घुटनों के दम बैठे और सरेआम फायरिंग करते हैं। कम से कम 12 राउंड फायरिंग के हुए दिल्ली देश की राजधानी में, सीमापुरी के इलाके में। एक बार वो वीडियो देखें, फिर ये प्रेस वार्ता आगे कंटिन्यू करते हैं। ये पहली आइसोलेटेड घटना नहीं है। आपको ध्यान होगा कि 15 जुलाई को भी गुरु तेग बहादुर हॉस्पिटल में एक मरीज जो इलाज करा रहा था, वहां पर अपराधी घुसे और बंदूकों से उनको भून दिया। आपको याद होगा कि दिन दहाड़े पिछले साल भी 26 जून को प्रगति मैदान टनल पे 4 बाइक सवार युवकों ने एक गाड़ी को घेरा और उसको लूट लिया। आपको यह भी ध्यान होगा कि जंगपुरा में एक सीनियर सिटीजन, एक डॉक्टर की मृत्यु हो गई एक अटेम्प्टेड रॉबरी में। आपको याद होगा कि जंगपुरा में 24-25 करोड़ लूट लिए गए एक ज्वेलरी शॉप से। वहां भी सारा कुछ सीसीटीवी में कैद हुआ। ये जब से दिल्ली में लॉ एंड ऑर्डर का भार एलजी वीके सक्सेना ने संभाला है, तब से दिल्ली की कानून व्यवस्था बद से बदतर हो गई है। एनसीआरबी का डाटा कहता है कि 1832 क्राइम्स होते हैं पर 1 लाख की पॉपुलेशन पे। एनसीआरबी का डाटा एक बहुत चौंकाने वाला तथ्य और सामने रखता है कि सिर्फ 30% केसेस में चार्जशीट होती है। जैसे आपको याद होगा कि जेएनयू में जब हिंसा हुई तो कोमल शर्मा, जिसको आप सबने पहचान लिया, पुलिस ने पहचान लिया, उसको ना अरेस्ट किया गया ना कोई चार्जशीट हुई, क्योंकि वो भाजपा के स्टूडेंट विंग की सदस्य थी। भाजपा के अधीन जहां भी लॉ एंड ऑर्डर है देश में, वहां कानून व्यवस्था बद से बदतर हो चुकी है, बुरी तरह से फेल हो चुकी है। चाहे मणिपुर हो, चाहे हरियाणा हो, चाहे उत्तर प्रदेश हो और चाहे दिल्ली हो, जहां पर कानून व्यवस्था पूरी तरह से केंद्र सरकार के नियुक्त एलजी के अधीन आती है। आपने देखा होगा कि हरियाणा में भी एक गैंगस्टर की पत्नी को टिकट दिया भाजपा ने। भाजपा बार बार अपराधियों का अपराधियों को संरक्षण देकर उनका मनोबल बढ़ाती है। पुलिस रिफॉर्म्स को लेकर दिल्ली के एलजी ने क्या कदम उठाए, कितनी पीसीआर वैन्स उन्होंने बढ़ा दी, कितनी उन्होंने पुलिस में जो कमी है भर्तियों की उनमें नियुक्ति की, कितनी बार उन्होंने पुलिस कमिश्नर को बुलाकर उनसे मीटिंग की, इसका कुछ पता नहीं। पर एनसीआरबी के डाटा आंकड़े ये साफ दर्शाते हैं कि एलजी वीके सक्सेना दिल्ली के, विनय सक्सेना दिल्ली के सबसे इनकॉम्पिटेंट एलजी रहे हैं। कानून उनसे संभलता नहीं, दिल्ली सरकार की शक्तियां छीनने में वो मशरूम रहते हैं। कानून उनसे संभलता नहीं, दिल्ली सरकार का कोई काम होता है तो फटाफट फोटो खिंचाने आ जाते हैं। क्या ऐसे एलजी को अपने संविधान पद पर बने रहना चाहिए?
सोशल मीडिया पे पैसा खर्च रहे हैं वो, क्या उनको सोशल मीडिया पर ये जानकारी देनी चाहिए कि नहीं कि कैसे लॉ एंड ऑर्डर की स्थिति बद से बदतर होती जा रही है उनके अंडर और उन्होंने क्या स्टेप लिए? ऐसे इनकॉम्पिटेंट एलजी को अपने पद पर बने रहने का कोई हक नहीं है और उनको इस्तीफा देना चाहिए।